हेलो दोस्तों, आरोस लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, गर्मी के मौसम में अगर हमारे बच्चे को सर्दी खांसी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आते हैं, सर्दी खांसी होना ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। बच्चे क्या बड़े लोगों में भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी जिससे सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो हमें डॉक्टर पर जाने से पहले, डॉक्टर की जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वह हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल होती हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो पा रहा है घरेलू उपचार से, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो पहले हम घरेलू उपचार की बात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। सबसे पहले अदरक। अदरक ज़्यादातर सभी घरों में मिल जाता है, तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसको छीलेंगे, फिर हम उसे पानी में उबालेंगे और उसमें नींबू का रस डाल देंगे और शहद के साथ मिलाकर हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अदरक, नींबू और शहद। शहद हम इसीलिए मिलाते हैं क्योंकि अदरक थोड़ा स्पाइसी होता है तो छोटे बच्चे उसको नहीं खाएंगे। तो हम शहद मिलाकर अगर पेस्ट को तैयार करेंगे तो बच्चा उसे आसानी से खा लेगा। फिर हम बच्चे को दिन में 2 से 3 चम्मच देंगे। तुलसी पत्ते, तुलसी के पत्तों का हम रस निकालेंगे, फिर उस रस को एक कटोरी में करेंगे, उसमें थोड़ा सा अदरक का रस भी निकाल कर मिक्स कर लेंगे। फिर हम उस पेस्ट को गर्म पानी के साथ मिलाकर पिएं पिएं या हम अपने बच्चे को दिन में 2 बार पिलाएं तो बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। जो ये मौसम में जो चेंजेस आते हैं, ये ज़्यादातर सर्दी खांसी लाते ही हैं। सर्दी खांसी, बुखार और बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ में आ जाती हैं। एप्पल साइडर विनेगर। 1 कप पानी में हम 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को डालेंगे और उस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम उसमें 1 चम्मच शहद को डालेंगे और थोड़ा थोड़ा देर बाद हम छोटे बच्चों को 1 से 2 चम्मच देंगे। अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ा जो बड़े लोग हैं वो 1 कप पानी पी सकते हैं। तो बस हम यही सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। अगर बच्चे की सर्दी खांसी फिर भी ठीक नहीं होती है तो छोटे बच्चों को हमें डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दी खांसी से क्या होता है, बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो और अगर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चा सोते टाइम घर घर की आवाज़ भी करने लग जाता है। अगर आपने गौर किया हो, हमारे बच्चे को सर्दी खांसी हो जाए तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हमें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल का बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो लाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।